एक यात्री प्रतीक्षालय बनाने में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसे लेकर एक भाजपा नेता ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। डोंगरगांव विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रामपुर में ग्राम पंचायत द्वारा यात्री प्रतीक्षालय निर्माण कार्य कराया गया था, जिसे ठीक तरीके से निर्माण नहीं कराया गया, जिसमें निर्माण का बिल कैश मेमो का बिल लगाकर लाखों रुपए का भुगतान किया गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता एवं पूर्व सरपंच किशोर यादव ने बताया कि राति प्रतीक्षालय में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, फर्जी बोगस बिल लगाकर लाखों रुपए का आहरण किया गया है। उन्होंने एस्टीमेट की कॉपी, बिल की छाया प्रति एवं मास्टर रोल की छाया प्रति संलग्न कर जिले के कलेक्टर एवं सीईओ को ज्ञापन दिया है। ये जो यात्री प्रतीक्षालय जो बना है रामपुर में, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बिल वाउचर, कैश मेमो वाला बिल वाउचर से भुगतान किया गया है। जितना मटेरियल लगा नहीं है उतना मटेरियल को बिल लगाकर आहरण किया गया है। इसकी जांच होना चाहिए और जो भी इससे संबंधित अधिकारी और निर्माण विभाग है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।